चेक करता है ऐसे इसलिए तो बहुत ही लाते थे मेरे ऊपर मत रहा फिर और ही लगा ये क्या घूम रहा करती है मच्छर तेरे मच्छर एकदम डेंगू वाले बस बस मोड़ना नहीं है रोक दो ब्रेक मार ब्रेक हां बंद कर दो ब्रेक मार के रखो ब्रेक दोस्तों अब हमारी हो गई ऑफ रोडिंग यार ये तो खराब है रुक सड़क चलो रेल देख रहा हूं कोई छोटी गाड़ी जिंदा निकाल के लेके जाते हैं से। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है एक्चुअली आज हमारे ब्लॉग में पहली बार बिग बी आने वाले हैं हमारे स्पेशल इनविटेशन पे तो दोस्तों ये वो बिग बी नहीं है अमिताभ बच्चन जी नहीं है ये हमारे फादर हैं भजन सिंह बदन तो वो फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में गेस्ट अपेयरेंस के लिए आ रहे हैं मेरे फादर ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी तो आर्मी से वो रिटायर्ड हैं दोस्तों जब से मैंने एक्चुअली 700 ली है मेरे साथ वो डिलीवरी पे भी आए थे फादर साहब मेरे और बहुत एक्साइटेड थे कार को देख के तो काफ़ी टाइम हो गया उनको ड्राइव किए हुए एक्चुअली उनके नी में थोड़ा सा इशू था तो काफ़ी टाइम हो गया उनको ड्राइव किए हुए कार को बट जब हमने डिलीवरी ली तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड तो ही वॉज सेइंग कि मैं चलाऊँगा कार को तो मैं ड्राइव करके घर ले जाऊंगा बट जैसे तैसे हमने उनको समझाया क्योंकि कार काफ़ी बड़ी थी और उनको ड्राइव किए हुए काफ़ी टाइम हो गया आर्मी में तो उन्होंने काफ़ी बार जीप वगैरह ड्राइव की है तो दोस्तों जो फादर है हमारे बिग बी तो बिग बी को अगर गाड़ी चलाने के लिए हम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो आर्मी में टैंक बड़े बड़े चलाए हुए हैं कार क्या चीज़ है और एक दिन हमसे ये भी पूछ रहे थे कि एरोप्लेन कैसे चलाया जाता है सो बट उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ड्राइविंग काफ़ी टाइम से छोड़ रखी थी तो ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स ही डिडेंट ड्राइव तो अब जब से एक्सयूवी 700 हमारे घर पे आई है तब से बहुत एक्साइटेड है ड्राइविंग को लेके तो वो चाहते हैं कि मैं ड्राइविंग करूं तो फाइनली उसके लिए हमने क्या किया हमने फादर साहब को कहा कि आप ड्राइविंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो हमने उनको भेजा ड्राइविंग क्लास के लिए 5000 रुपीज़ हमने पे किए ड्राइवर को सिखाने के लिए तो वो 4 दिन बाद ही छोड़ गया फादर साहब को कहते कि आप मेरे से 10,000 रुपये ले लो बट आप खुद सिखा लो उनको और कार में पेट्रोल डलवा लो मेरे पैसों से और उनको सिखा लो एक्चुअली हुआ क्या कि वो ड्राइविंग गए तो सीखने थे पर 4th दिन बाद ही उसने ड्राइवर को कहा कि आप इस साइड पे ड्राइविंग सीट पे आप आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ गाड़ी चलाना तो आपको पता ही है आर्मी की मैंटेलिटी कैसी होती है वो जल्दी जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते उनके अकॉर्डिंग देयर वे और नो वे तो ये इशू था तो अब हमने जैसे तैसे करके वहाँ से तो जैसे तैसे 4-5 दिन उन्होंने सीखी अब सेकंड हमने अटैम्प्ट उनको करवाया अपनी ऑल्टो कार में यहाँ पे खड़ी है साइड में देख सकते हैं तो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में उन्होंने कार को आलू के खेत में घुसा दिया था ये देखिए मैं डैमेज भी दिखाता हूँ यहाँ पर ये देखिए इन्होंने पूरी ऑल्टो को आलू के खेत में ठोक दिया तो हम काफ़ी देर से उनको चिढ़ा भी रहे थे कि डाली ऑल्टो आलू के खेत में तो जैसे तैसे 4-5 दिन अब उनको दोबारा एक्साइटमेंट हो गई है तो अब हम उनको तो अब उनको दोबारा एक्साइटमेंट होती है तो बड़ी गाड़ी तो फ़िलहाल हम उनको नहीं चलाने देंगे बट अब हम उनको लेके जा रहे हैं फोर्ड फिगो की ड्राइव में तो उनको इस पर अटैम्प्ट करवाएंगे इस बार ये देख सकते हैं ये भी हमारी थर्ड कार है तो हम इसको फादर साहब को लेके जाएंगे फोर्ड फिगो में ड्राइव करवाने दोस्तों वीडियो के अंत तक बन रहेगा देखिएगा देखते हैं ये ड्राइव कितनी सक्सेसफुल रहती है और क्या वो ड्राइव कर पाते हैं या दोबारा किसी खेत में उड़ेल देते हैं कार को तो जल्दी हम शुरू करते हैं ब्लॉग को दादुरी न्यूट्रल करो
जीरो न्यूट्रल पीछे होता है, ये नॉन न्यूट्रल होंगे। बंदे भी खड़े हैं, चाबी लगाओ। कोई बात नहीं, क्यों बेल्ट लगा लो, बेल्ट और ले साइड से खींचो उधर से। ये देखिए यार, लगा दिया हमने यहाँ पे लर्निंग के लिए, ताकि कोई सामने से ना आए। तीन ड्राइवर जा रहे हैं साथ में सिखाने। चलो ध्यान से निकालना है, क्लच दबाया हुआ ना, पहले गियर में डालो, क्योंकि उधर से स्कूटी आ रही है। चलो धीरे धीरे रेल दो, धीरे धीरे देने, धीरे धीरे क्लच छोड़ना। ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग
अभी छोटे हो, आपको मौका मिल सकता है मोबाइल फोन से वीडियो बनाने का। मेरे ऊपर मतलब फिर और ही लगा, ये क्या घूम रखती है मच्छर, मच्छर एकदम डेंगू वाले। बस बस मोड़ना नहीं है, रोक दो ब्रेक मारो, ब्रेक हाँ बंद कर दो, ब्रेक मार के रखो ब्रेक, क्या कर रहे हो, क्लच दबाओ रे, वो गाड़ी स्टार्ट करो दोबारा, बंद है गाड़ी, पहले पे नहीं न्यूट्रल पे है, क्लच दबा के रखो गाड़ी स्टार्ट करो ना, ब्रेक दबाओ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बस क्लच दबा के रखा है अभी दोबारा, चलो रेस दो रेस दो रेस दो रेस दो, पीछे मोटरसाइकिल है, ब्रेक दबा दो ब्रेक, गियर लगा हुआ है, रहने तो जाएगा अपने आप ही उधर, गियर लगा हुआ है, ब्रेक दबाओ ब्रेक, क्यों नहीं दबाते हो आप, ला अब क्या हुआ, रेस दो क्लच, धीरे धीरे छोड़ना, रेस दो क्लच, छोड़ो क्लच, ब्रेक दबाओ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दोस्तों आप जानना चाहते होंगे कि क्या पिप्पी कार चलाना सीख पाए, क्या उन्होंने कार आगे जाके ठोकी या नहीं ठोकी, ये सब जानने के लिए मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड के साथ। ये देखिए हमारी हैज़ल भी आपको दिखाते हैं, हैज़ल है ये बहुत ही बेताब रहती है, कार अगर स्टार्ट हो जाए तो ये बाहर को भागती है, ये देखिए आजा आजा हैज़ल, ड्राइव कर ले तू, आजा हैज़ल आजा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ ये कंपलसरी कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, हर एक फैमिली में एक यूट्यूब चैनल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपका आधार कार्ड उससे लिंक होगा, राशन नहीं आएगा आपको। थैंक यू थैंक यू।